और अभी अभी जानकारी मिली है कि बीजेपी का एक प्रत्याशी लोगों की तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी चाहे चंपी भी करें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएं, तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ तो नहीं करोगे? हमें भरोसा है जब वोट डालोगे तो इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर दोगे। इधर बीजेपी के नेता बहुत ABCD सिखा रहे हैं, ABCD। कभी कहते हैं A for ये, B for ये, C for ये, N for ये, Z for ये। हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं, वो हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और हमारे पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम अपने बस्ती के लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने बस्ती के एक एक किसान नौजवान का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं दूर देख रहा हूं, छत पे बैठे उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं दूर तक पीला झंडा देख रहा हूं, उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूं। आखिरी में RLD का भी झंडा दिखाई दे रहा है हमें, RLD के। और इस बार तो पहले चरण में RLD और समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। और जब से जनता ने इनकी खड़ी कर दी खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया। बताओ, इनके बयान घटिया हो गए कि नहीं हो गए? अभी हमें बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेश कहते हैं कि दंगेश हैं हम, दंगा कराते हैं। बताओ, हम क्या दंगेश लगते हैं? इसलिए हम बाबा जी को कहना चाहते हैं, अगर उन्हें दंगेश देखना है तो जब वो सो के उठे तो जा करके आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपको अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे। बताओ, ये बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीजेपी के लोग झगड़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और महंगाई बढ़ाई इन्होंने कि नहीं बढ़ाई? इन्होंने सांड खुले छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? खाद महंगी की कि नहीं की? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इन बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कि जनता में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है, इस बार बचने वाले नहीं है। इससे बस्ती के अपने सभी बुजुर्ग नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, मुझे बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी जी जुड़े और उसके बाद लगातार नेता जुड़ते आए हैं और लगातार पार्टियों का सहयोग और गठबंधन मिलता रहा है, चाहे हमारा गठबंधन और सहयोग गोंडवाना पार्टी से मिल रहा हो, अभी गोंडवाना पार्टी भी हमारा सहयोग कर रही है, RLD ने भी मदद की, आपके संजय चौहान जी की पार्टी इसने भी मदद की, ओमप्रकाश राजभर जी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं,
आज सब दल समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। इतने रंगों का दल, इतने सात रंग इसलिए आए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबको जोड़ करके एक गुलदस्ता बनाने का काम किया है। हम सब लोगों को जोड़ करके और सबको स्थान दे करके और सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों को जो 69,000 वाले हैं उन्हें कहना चाहते हैं कि आरक्षण को लेकर के बहुत भेदभाव हुआ है आपके साथ, आपको नौकरी नहीं दी, अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे 69,000 वालों की साथ जो भेदभाव हुआ है उसको खत्म कर करके उन्हें नौकरी देने का काम होगा। न केवल 97,000 वाले भी हैं शिक्षक भर्ती के लेकर के आए हैं, ये हमारे जानते होंगे, चाहे बीएड टेट वाले हों या शिक्षक भर्ती वाले, जब से बीजेपी आई है हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। आज सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही जगह खाली है। अगर आप पदों का देखोगे कितना खाली है तो 11 लाख पद खाली हैं आज, और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। इसलिए चाहे हमें बीएड टेट के लोगों की मदद करनी पड़े, नए शिक्षक भर्ती निकालनी पड़े, शिक्षा मित्रों को सम्मान देना पड़े, और चाहे हमारे बीपीएड वाले हैं जिनकी मदद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक की है, सरकार बनाओ, बताओ अपना बूथ जिताओगे? बीएड टेट वाले अपना बूथ जिताओगे? शिक्षा मित्र वालों और ये अनुदेशक